First is, just write down, force is a quantity which helps in bringing a body into motion or keeps it in rest. Force is a quantity which helps in bringing a body into motion or keeps it in rest. Now, इसका क्या मतलब है? सपोज आपके पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी को क्या किया आपने, यहां से एक फोर्स लगाया एफ, मतलब इसको पुश किया, तो ये बॉडी कहां की तरफ मूव करेगा, किधर मूव करेगा ये? अगर ये बॉडी को मैंने पुश किया तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये कंटिन्यूसली ऐसे सरफेस के ऊपर स्लाइड होते रहेगा क्या? कंटिन्यूसली स्लाइड होते रहेगा क्या? ठीक है, एक पॉइंट के बाद ये क्या होएगा, रुक जाता है। अभी रुकने का मतलब क्या है, सबसे पहले ये कहां पे आ गया है, इट हैज कम टू रेस्ट। अभी रुका क्यों, क्योंकि इसका मोशन हो रहा था इस तरफ एंड एक फोर्स एक्ट कर रहा था कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी हम लोग यही फोर्सेस के बारे में लर्न करेंगे। रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में क्या होता है, आपका वेलोसिटी क्या होएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इधर लिख लेना, हेलो अलीना लिखने स्टार्ट करो, यहां पे वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। सूर्य जरा कैमरा चालू करना, वेलोसिटी यहां पे जीरो है, रेस्ट का मतलब क्या है कि आपका वेलोसिटी रहेगा जीरो। मैंने आपको दोनों किसका बारे में बताया। नेक्स्ट है जो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन रहेगा। मास आप किस में मेजर करते हो, केजी में, एंड एक्सेलरेशन को आप मेजर करते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फोर्स का जो एसआई यूनिट है, दिस इज व्हाट, न्यूटन। चैप्टर रिमेंबर, एंड ऑल्सो यू कैन राइट फोर्स इज a vector quantity. ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, different types of forces करेंगे। तो इसमें लिखना, next heading डालो, different types of फोर्सेस। फर्स्ट जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या नाम देते, इसमें लिखो ग्रुप वन, लिखना ग्रुप वन लिखो, इसमें लिखो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस,
इसके बारे में लिखना, व्हेन बॉडीज टच ईच अदर, व्हेन बॉडीज टच ईच अदर और आर इन कॉन्टैक्ट. आई होप कॉन्टैक्ट का मतलब समझ में आ रहेगा, एक दूसरे को वो लोग क्या कर रहे, टच कर रहे हैं. और आर इन कॉन्टैक्ट द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन दीज बॉडीज आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ये एग्जाम्पल समझाता हूं, इधर तो पहले लिख लेना, लिख के हुआ तो बता देना, लिख के हुआ तो बता दो. लिख के हुआ सबका? तो अभी है ना, जरा ये सोचो है, इधर ध्यान देना. आप क्या कर रहे हो, यहां पे यू आर अप्लाइंग से एक 5 kg का ब्लॉक है एंड इसको क्या किया गया है, एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है. अब आपने ये क्या किया, ये मास को आपने छोड़ दिया, ठीक है, एक स्प्रिंग पे आपने क्या किया, मास लगाया और आपने हाथ छोड़ दिया, तो क्या होएगा, ये स्प्रिंग क्या होएगा, किधर जाएगा? डाउनवर्ड, ठीक है, downward. ये थोड़ा सा क्या होएगा, स्ट्रेच हो जाएगा. और ये कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ, नीचे. ओके, एक और एक एग्जांपल देता हूँ. एक और एग्जांपल क्या है जो हमने अभी किया, जैसे कि आप क्या करते हो, एक सपोज एक 2 kg का बॉडी है एंड इसको क्या कर रहे हो, आप जोर से पुश कर रहे हो एक फोर्स अप्लाई करके, ठीक है. यहाँ पे चलो एक वेलोसिटी लेते हैं कि स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी कितना था, 10 m/s, ठीक है. आपने इसको पुश करके छोड़ दिया, अपना हाथ छोड़ दिया पुश करके, क्या होएगा, ये थोड़े डिस्टेंस के बाद इसका वेलोसिटी क्या होएगा आपके हिसाब से, इसका स्पीड क्या होएगा, क्या होएगा सर स्पीड? जीरो. ठीक है, ओके. ये दो डायग्राम पहले बना के रखना, मैं जरा एग्जाम्पल्स आपको समझूंगा. ये केस वन हो गया एंड ये क्या हो गया, केस एग्जाम्पल्स है. सो वी हैव टू ड्रॉ दिस. यस, दैट्स व्हाई आई गिव यू टाइम नाउ. वो सबका यहां तक चलो ध्यान देना. ओके, यस सर. सब लोग जरा ध्यान दो, यहां पे आप बता सकते हो कौन दो चीजें जो कांटेक्ट में है एक दूसरे के साथ. सर स्प्रिंग एंड द ब्लॉक, ये बोथ आर इन कांटेक्ट. यहाँ पे बता सकते हो सेकंड केस में कौन कांटेक्ट में है, जरा बता सकते हो? The force and the block. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट केस में देखो, आप अपने हाथ से पुश कर रहे हो ब्लॉक को, तो आप और ब्लॉक कांटेक्ट में है, ये समझा सबको. सबसे पहले क्या है, पर्सन एंड ये ब्लॉक
एक दूसरे के साथ क्या है, कॉन्टैक्ट में है। अब बता सकते ये ब्लॉक और एक के साथ कॉन्टैक्ट में, किसके साथ कॉन्टैक्ट में आप बताओ, और किसी का कॉन्टैक्ट में? ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को टच करते हो और उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, वो हो जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो यहां पे जो फोर्स है ना फर्स्ट केस में, ये फोर्स को आप क्या बोलते हो, मस्क्यूलर फोर्स। पर्सन और ग्राउंड के बीच में, मैं जस्ट इसको रेड कलर के थ्रू इंडिकेट कर रहा हूं। फिर जरा ध्यान दो, जैसे जैसे ये दूर जाएगा क्या होएगा, जरा सोचो, इसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, ठीक है, मतलब इसका स्पीड कम हो रहा है, बॉडी इस तरफ जा रहा है, मतलब बॉडी कहां पे जा रहा है, राइट के तरफ, उसका स्पीड लेस हो रहा है, तो आपकी सबसे फोर्स किधर एक्ट करेगा, सोचो जरा। ओके ठीक है, देखो आप क्या जा रहे हो, आपका गाड़ी जा रहा है आगे के तरफ, ठीक है, आप ऐसा सोचो कि आपका साइकिल, सपोज ऐसा सोचो साइकिल, ठीक है, वो किधर जा रहा है, आगे के तरफ जा रहा है, और क्या हो गया, वो सपोज एक ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो गया, मतलब क्रैश हो गया, मतलब क्रैश हो गया, ऐसा सोचो, तो आपका गाड़ी क्या होएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल स्टॉप, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। वे स्टॉप क्यों हुआ, क्योंकि आपका मोशन हो रहा था इस तरफ, गाड़ी फोर्स अप्लाई कर रहा है इस तरफ, मतलब मोशन इस तरफ, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए आपका कार क्या हुआ, स्टॉप। अब यहां पे सोचो आपका मोशन कहां पे हो रहा है, राइट के तरफ, तो फोर्स किधर रहेगा, फोर्स किधर रहेगा, आप बोलो ये बॉडी स्टॉप, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ये फोर्स रहेगा लेफ्ट के तरफ, एंड ये फोर्स किसके वजह से है, ये फोर्स जो टकरा है वो उसके, नहीं नहीं यहाँ पे इसके स्टॉप हुआ है, इसके स्टॉप हुआ, यहाँ पे सोचो कौन किसके साथ कॉन्टेक्ट में है, बॉडी ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में, ठीक है, और ऐसे टाइप के फोर्स को आप क्या बोलते हो, ऐसे टाइप के फोर्स का नाम रहता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या रहता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले इधर तक बना लेना। ओके, ये स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच का जो फोर्स है, इसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। ये सबका इंडिविजुअल फॉर्मूला है, लेकिन अभी के लिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, तो सब केसेस एक्सप्लेन कर लेता हूं। एक और एक केस थ्री बना लेना, ये भी बहुत मतलब कॉमन फोर्स है। अभी ना यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, यहाँ पे क्या एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 5 kg का ब्लॉक। अब क्या होएगा, आप जरा सोचो, ध्यान दो, ध्यान दो जरा, एक सेकंड के लिए ध्यान दो। अगर आपने सपोज ये स्ट्रिंग को ब्रेक किया, ठीक है, ये स्ट्रिंग को आपने यहां से ब्रेक किया, तो ये ब्लॉक कहां पे जाएगा आपके हिसाब से, तो नीचे, नीचे गिर जाएगा। ओके, और वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो रस्सी है ये कहां पे जाएगा आपके हिसाब से, रस्सी कहां पे जाएगा, कौन सा ऊपर वाला रस्सी की जगह, ये वाला ऊपर वाला पार्ट का बात कर रही, ऊपर वाला पार्ट कहां पे जाएगा, तो उधर ही लटका रहेगा, उधर ही लटका रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहां पे देखो, सबसे पहले आपका वेट कहां पे एक्ट कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक है, इधर मैं लिखता हूं वेट, ये हम लोग आगे करेंगे। ये स्ट्रिंग क्या कर रहा है, ये वेट को क्या करने का ट्राई कर रहा है, ऊपर के तरफ खींचने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, इसीलिए अगर ऐसा सोचें, देखो ध्यान दो है, ये स्ट्रिंग क्या करेगा, इसको ऊपर के तरफ पुश करेगा, ये टाइप का फोर्स को आप क्या बोलते हो, अगर ये टेंशन नहीं रहता तो आपका ब्लॉक कहां पे जाता, आप सोचो अगर ये टेंशन नहीं रहता तो ये ब्लॉक कहां पे जाता, नीचे जाता था, ब्लॉक अभी नीचे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज टेंशन उसको ऊपर खींच रहा है। I'll explain again. अगर ये टेंशन नहीं रहता तो आपका ब्लॉक क्या होता, नीचे के तरफ गिर जाता,
पर ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग आपका ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये लिखना, इसको हम लोग बोलते स्ट्रिंग और मास सिस्टम या टेल मी आई कांट सी द वाइब। जस्ट रीजॉइन अगेन इयान, जस्ट रीजॉइन अगेन। आई होप ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है समझा रहेगा। डोंट थिंक इसमें डाउट रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग से अभी के लिए इतने पे काम करेंगे। हुआ यहाँ पे सबका लिख के? एक मिनट सर, जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिनका नहीं हुआ एक स्क्रीनशॉट ले लो। सर जस्ट फॉर 1 मिनट कैन आई ऑफ माय कैमरा? या या, नो इश्यूज, नो इश्यूज। राइट द बी पार्ट ऑफ इट और इसको लिखना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें लिखना फोर्सेस इन विच यू डोंट रिक्वायर कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज आर कॉल्ड non-contact forces, are called non-contact forces. Now, अभी ये थोड़ा आपको सोचने को मुश्किल होएगा, लेकिन आपको real life examples के थ्रू समझा दूँ। ठीक है, हुआ ये लिख के यहाँ तक? Yes. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स करेंगे। जरा ध्यान देना जरा। ये हम लोग का क्या है, एक कोकोनट ट्री है यहाँ पे। और इसमें से सपोज कोकोनट निकल गया तो ये कोकोनट कहाँ पे गिरेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे गिरेगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिर रहा है। तो ये नीचे कैसे आ रहा है? कुछ कौन, इसको कोई खींच रहा है क्या नीचे? ऐसा कुछ वायर वायर है क्या इसका? तो इसमें क्या है, ये बॉडी बिना कोई कांटेक्ट का नीचे गिर रहा है। ओके, ऐसे टाइप के फोर्स को आप नाम क्या देते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, देते ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हम लोग करेंगे केस टू। सर आई हैव अ क्वेश्चन। या टेल मी। सर इफ देयर इज अ बॉल ऑन अ प्लेट एंड वी यूज फोर्स ऑन द प्लेट एंड वी डू इट लाइक पुश इट एंड इन अ स्लैंटिंग वे एंड द बॉल फॉल, आर वी पुशिंग, आर वी यूजिंग फोर्स ऑन द बॉल और द प्लेट? क्या पूछा? मैं कुछ नहीं समझा। सर एक प्लेट के ऊपर एक बॉल रखा है, हम लोग ने उस प्लेट को ऐसे किया और बॉल नीचे गिर गया। हम लोग उस बॉल को फोर्स कर, बॉल पे फोर्स यूज कर रहे की प्लेट पे? प्लेट पे कर रहे हम लोग, प्लेट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो प्लेट देखो, आपका प्लेट मूव हो रहा है ना, प्लेट मूव हो रहा है, क्यों मूव होएगा? ऐसे थोड़ी अपने आप मूव होएगा। क्यों मूव हुआ? क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया। अब बॉल क्यों नीचे गिरा? बॉल नीचे क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट ग्रेविटी के वजह से, सेकंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन प्लेट एंड बॉल के वजह से। अब हम लोग केस टू, ये भी आपने रियल लाइफ एग्जांपल देखा रहेगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ मैग्नेट।
ओके फाइन. अब मैग्नेट में सपोज आप आयरन नेल्स को ऐसे दूर रखोगे यहां पे, तो ये आयरन नेल्स क्या होएगा, मैग्नेट की तरफ जाएगा ना. Yes, क्या sir. इनके बीच में कुछ कांटेक्ट है क्या, ये आयरन नेल और मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, ये फोर्स का हम लोग नाम देंगे मैग्नेटिक फोर्स. आपको सिर्फ रियल लाइफ एग्जांपल से दे रहा हूं ज्यादा करके, ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक का आइडिया रहेगा. ये रहेगा मैग्नेट. अब एक और ये फोर्स है ना, आपने कभी देखा रहे मतलब महसूस किया रहेगा, आप लोग ने कार ट्रेवल किया रहेगा ना, कार ट्रेवल कभी ना कभी yes, तो कार के होके yes, जब, या फिर मेरी गो राउंड में जब भी आप जाते हो. ओके तो सपोज ये कार क्या हो रहा है, सपोज ये कार ये किधर टर्न मार रहा है, इस तरह. ठीक है, ये कार टर्न मार रहा है इस तरह, एंड आप सोचो कि इसके अंदर क्या बैठा है, एक पैसेंजर बैठा है. ठीक है, आप सोचो कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो एंड गाड़ी क्या हो रहा है, अचानक इस तरफ जा रहा है, तो आपको क्या लगेगा, आप ऐसे साइड में जा रहे हो ऐसा फील होएगा ना. यस सर. गाड़ी टर्न मारते आपको ऐसा फील होता है कि आप किधर जा रहे हो, आप जा रहे हो इस तरफ बाहर की तरफ, ऐसा लग रहा है आप फेंके जा रहे हो, या फिर मेरी गो राउंड में जब वो ऐसा घूमते रहता है आपको ऐसे फील होता है आप क्या फेंके जा रहे हो बाहर, तो आप क्या करते हो उसको और जोर से टाइटली पकड़ते हो ना, उस जो भी है आप बैठे रहेगा कभी इस पर. तो ये जो फोर्स है आपको बिना कोई कांटेक्ट के ऐसे लग रहा है कि आप बाहर की तरफ फेंके जा रहे हो. अब ऐसे टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स. ये आपने कभी किया नहीं रहेगा, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में आया. ये फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट रहता है, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीपेटल टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, मतलब इसका सेंटर कहां पे रहेगा, इस तरह. और बाहर फेंका जाने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जस्ट रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं आपको. सर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ मिक्सी जार. व्हाट व्हाट एग्जांपल ऑफ मिक्सी जार, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली. अगर आप मिक्सर ग्राइंडर को अगर खोल के रखोगे और उसको घूम मतलब अंदर पूरा ये हो रहा है, क्या होएगा, और जो भी चटनी जो भी आप बना रहे हो क्या होएगा, पूरा बाहर की तरफ फेंका जाएगा. yes, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स के इसमें आता है, लेकिन स्टिल चल. नेक्स्ट आता है केस फोर. अब ये फोर्स आपने शायद ही देखा रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इट इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो सपोज व्हाट यू डू इज, ये सपोज एक वुलन क्लॉथ है एंड इसके ऊपर क्या कर रहे हो आप, एक प्लास्टिक स्केल जो है ना, ये वुलन क्लॉथ के ऊपर क्या कर रहे हो, रब करते हो. ठीक है, से एक मिनट तक आपने इसको बहुत ज्यादा रब किया एंड बाद में आपने क्या किया, चिपक जाते हैं. हाँ, ये स्केल को क्या किया, ये स्केल को आपने बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर लगा दिया. तो ये बिट्स ऑफ पेपर क्या होता है, स्केल के तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होएगा. तो ये टाइप के फोर्स को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब ये क्यों होता है ये मैं समझाता हूं, क्योंकि इधर लिखना सबसे पहले स्केल इज रब ओवर वुल. अभी स्केल के ऊपर क्यों चिपकता है वो मैं आपको समझाता हूं, तो यहां पे लिखना बिकॉज स्केल हैज चार्ज ओवर इट, लिखना इधर मैं जस्ट थोड़ा ऊपर लिखता हूं, बिकॉज स्केल हैज चार्ज ओवर इट. आपने ये लाइटनिंग के वक्त देखा रहेगा, अभी देखो अभी लाइटनिंग हो रहा है क्या, अभी क्लाउड्स में लाइटनिंग हो रहा है क्या, नहीं. क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका क्लाउड्स
एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन नहीं, मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन जैसे ही क्या होता है बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्लाउड्स आते हैं, ये लोग एक दूसरे के साथ मूव करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, क्या होता है क्लाउड्स में चार्जेस डेवलप होता है और ये चार्जेस लाइटनिंग के फॉर्म में क्या होता है नीचे गिरता है, ठीक है, उसकी वजह से लाइटनिंग होता है। तो हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल किया, और एक एक टाइप का फोर्स है उसको मैं एक सेपरेट पेज पे बनाता हूँ। याद तक हो गया सबका लिख के? Yes, sir. अब है ना एक जो फोर्स है ना दैट इज केस नंबर 5, यू विल लर्न अबाउट इट आगे के चैप्टर्स में, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज एटॉमिक एनर्जी जो रहता है, ये आपने सुना ही रहेगा कभी ना कभी। तो व्हाट इज अ न्यूक्लियर फोर्स, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग एन एटम, ओके, वी आर कंसिडरिंग एन एटम। एटम के सेंटर में क्या रहता है आपको पता है क्या, क्या रहता है एटम के सेंटर में? इलेक्ट्रॉन्स? नहीं नहीं, एटम के सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, ठीक है। एंड ये न्यूक्लियस में क्या रहता है पता है क्या, ये न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। तो ये P प्लस का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, एंड ये N का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। और इसके साइड में क्या होएगा, इसके साइड में कौन घूमेगा आपके हिसाब से, कौन घूमना चाहिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, कौन घूमेगा इसके अक्रॉस, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या रहता है पता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव, नेगेटिव। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या रहता है, प्रोटॉन्स का चार्ज रहता है, यहां पे यू कैन राइट, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, यू कैन राइट प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। तो आपने ना कभी सोचा मैग्नेट, अगर आपने कभी मैग्नेट का कोई प्रॉपर्टी पढ़ा हो तो मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैंने यहां पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल कनेक्ट किया तो ये दोनों मैग्नेट्स क्या होएंगे आपके हिसाब से, किधर जाएंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाते हैं। अभी समझाता क्यों ऐसे हुआ, बिकॉज नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल ये दोनों क्या है, लाइक है। तो आप क्या बोलोगे, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। वैसे ही आपने सपोज यहां पे एक नॉर्थ पोल कनेक्ट किया और यहां पे एक साउथ पोल, अभी ध्यान दो, यहां पे आप साउथ पोल, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होएगा यहाँ पे, मैग्नेट किसके कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ दोनों एक दूसरे के पास जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर विथ यू, वो पे पार्ट समझ में आ रहेगा, ओके। अब जरा ध्यान देना ये लिख के होने के बाद, या तो हुआ सबका लिख के? नो सर। यस सर। ठीक है, नहीं लिखे हुआ तो ध्यान दो पहले। देखो प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्रोटॉन का चार्ज इज पॉजिटिव,
इलेक्ट्रॉन का चार्जेस नेगेटिव। आप बताओ यहाँ पे अट्रैक्शन होएगा या रिपल्शन होएगा, आप बताओ? अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन। क्यों अट्रैक्शन होएगा बता सकते हो? क्या रीजन है अट्रैक्शन होने का? बिकॉज दे आर अनलाइक। सो यू कैन जस्ट टेल कि क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स किधर के तरफ पुल होएगा? अंदर की तरफ पुल होएगा। तो ये टाइप का फोर्स को आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियर फोर्स। आप चाहे तो लिख सकते हो, इसका मतलब लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन इज पुश्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमते रहता है। आप ऐसे सोचो, अर्थ और मून के बारे में सोचो, अर्थ मून को क्या करते हैं? ग्रेविटी के फोर्स से क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या मून अर्थ की तरफ ऐसे गिरते रहता है क्या? नो सर। नहीं, नो सर। व्हाई डज इट फॉल? बिकॉज मून क्या रहता है? कंटिन्यूसली घूमते रहता है अराउंड द अर्थ, इसके लिए वो अर्थ की तरफ नहीं क्रैश करता है। सेम ये इलेक्ट्रॉन का भी वही लॉजिक है। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए था? न्यूक्लियस के साथ आके क्रैश होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होने के वजह से क्या होता है? इट डजंट कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। क्लियर है? तो मैंने आपको पांच फंडामेंटल फोर्सेस एक्सप्लेन किया है। सेंट्रीपेटल फोर्स डजंट कम इन फंडामेंटल फोर्सेस, बताने के लिए। Centripetal force does not come in fundamental force. I'll give in writing. Wait, one. You can write the five fundamental forces in nature. Just write the heading. The five fundamental forces. So the first force is gravitational force. The second force is electrostatic force. The third force is magnetic force. The fourth force is strong nuclear force. Now, what is this strong nuclear force? I'll explain. You can write present inside nucleus, मतलब nucleus के अंदर का force, and जो fifth है, fifth is weak nuclear force. ये किसके बीच में present है? Present between proton and electron. Or you can say nucleus and electron also in that way. Sure, done. Okay. So write the next heading as group 2 likhna, group 2 balanced forces likhna, heading balanced forces. Isme likhna, when forces are equal and opposite, they cancel each other out. Therefore, there is no motion or
body is at rest or constant speed. Second is unbalanced force. इसमें लिखना when forces are not equal and opposite to each other, the forces do not cancel each other out. इसमें लिखना therefore speed of object increases or decreases or you can write or object begins to move. Sir, I can't see the screen. Just rejoin the meeting again. Okay, सब लोग ध्यान दो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, जरा ध्यान देना यहाँ पे. अब देखो, अगर आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, ध्यान दो, टग ऑफ वॉर आपने देखा भी रहेगा. यहाँ पे सपोज कितने हैं, 3 लोग हैं, और इस तरफ भी है ना सेम 3 लोग हैं, ठीक है, सेम एनर्जी वाले 3 लोग हैं. तो आपके हिसाब से क्या होएगा, क्या ये रोप मूव होएगा, हो पाएगा क्या, सोचो क्या ये रोप मूव हो पाएगा ज्यादा? नहीं सर. दोनों क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, इस तरफ रोप को खींचने का ट्राई करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, रोप को इस तरफ खींचने का ट्राई करेंगे. तो हम लोग क्या बोलेंगे, F1 equal to F2, यहाँ पे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे. अब ये सेम टग ऑफ वॉर मैच है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 पर्सन है, एंड यहाँ पे बस 2 पर्सन है. आपके हिसाब से रोप अभी कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड. अब यहाँ पे फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है क्या, नहीं है. तो आप लिखोगे F1 is not equal to F2. तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे,